Hello students, today we'll be continuing chapter number 4 of essays for standard 6 student. In our earlier session we have started about Lothal. Lothal के बारे में हमने थोड़ी चीजें पढ़ी थी, वो इंडस्ट्रियल एरिया था, इंडस्ट्रियल सिटी थी, ये सब अपन ने पढ़ा था. अब स्ट्रक्चर मेड इन ब्रिक्स आर फाउंड इन लोथल. लोथल में ना कुछ पत्थरों से बने हुए, ब्रिक्स से बने हुए स्ट्रक्चर फाउंड किया. ऐसा माना जाता है कि वो एक डॉकयार्ड है. डॉकयार्ड मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जो शिप्स होती है वो पार्क होती है. मतलब जैसे जहाँ पे शिप्स रखी जाती है वो जगह को बोलते हैं डॉकयार्ड, जहाँ पे शिप्स पार्क होती है. ठीक है, तो बोला है कि लोथल में ब्रिक का स्ट्रक्चर फाउंड किया गया. ऐसा माना जाता है वो क्या है, डॉकयार्ड है. जो शिप्स है, मतलब शिप्स है तो उसको वेसल्स भी बोलते हैं. वहां लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, मतलब शिप का लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ गुड्स डॉकयार्ड पे ही होता होगा. मतलब शिप क्यों यूज होती होगी, जो भी गुड्स होते हैं उसको लोड करने के लिए, मतलब शिप में डालने के लिए, अनलोड करने के लिए, मतलब शिप से निकालने के लिए. फिर आपको वेयरहाउस और बीट फैक्ट्री भी वहां पे मिलेगी. क्या मिलेगी, वेयरहाउस भी मिलेगा और एक बीट फैक्ट्री भी आपको वहां पे मिलेगी. ठीक है, प्रॉस्परस पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन. मतलब बेसिकली ये बहुत प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया का बहुत प्रॉस्परस एक पोर्ट माना जाता है. पोर्ट मतलब क्या होता है, जैसे जो शिप, जहां से शिप आती है गुड्स और गुड्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ठीक है, तो बहुत प्रॉस्परस पोर्ट है और साथ में ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक रास्ता था. मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था, मतलब एक जगह से माल दूसरी जगह जो बेचने और खरीदने का काम होता था इंटरनेशनली, इंडिया और इंडिया से बाहर, वो कहां से होता था, बाहर थ्रू लोथल. ठीक है, फिर धोलावीरा के बाद में, धोलावीरा के पढ़ने के पहले मैं वापस उतना समझा रही हूँ. अपन को लोथल में एक ब्रिक का स्ट्रक्चर मिला है, वो ब्रिक का स्ट्रक्चर डॉकयार्ड होगा ऐसा माना जाता होगा. डॉकयार्ड ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिप्स को पार्क किया जाता है. ये शिप्स को क्यों यूज किया जाता होगा, गुड्स को लोड और अनलोड करने के लिए, मतलब शिप में माल डालने के लिए और शिप से माल निकाल के एक जगह से दूसरी जगह वो लोग बेचते थे. वहां पे आपको वेयरहाउस और बीट फैक्ट्री भी मिलेगी. ये बहुत, ये जो दोला जो लोथल है, बहुत प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया और ये हरप्पन सिविलाइजेशन में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था वो लोथल से ही होता था. ठीक है, सो ये था अपने लोथल के बारे में. अब अपन आ जाते हैं धोलावीरा के बारे में. धोलावीरा भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो खादिरबत बचाव तालिका में, कच्छ में बचाव तालिका में खादिरबत में धोलावीरा लोकेटेड है. धोलावीरा कहां पे लोकेटेड है, कच्छ में बचाव के अंदर खादिरबत. कच्छ में जो बचाव तालुका उसमें खादिरबत के यहाँ पे लोकेटेड है. अब जो हरप्पन टाउन से था वो दो पार्ट में डिवाइड थे, बायलेटरल थे, लेकिन जो धोलावीरा के टाउन से था वो तीन पार्ट में डिवाइड थे. ठीक है, जो हरप्पन टाउन से वो दो पार्ट में डिवाइड थे, दे वर बायलेटरल क्योंकि वो दो पार्ट में डिवाइड थे, लेकिन जो धोलावीरा के टाउन थे वो तीन पार्ट में डिवाइड थे, वो ट्राइलेटरल था. पहला था सिटाडेल जिसको फोर्ट बोलते हैं, फिर दूसरा था अपर टाउन और तीसरा था लोअर टाउन. मतलब पूरा धोलावीरा को तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक था सिटाडेल जिसको हम लोग फोर्ट बोलते हैं, फिर एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन. ये धोलावीरा की मेन स्पेशलिटी क्या है, धोलावीरा की मेन स्पेशलिटी है कि वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा होता है. जो बारिश का पानी है उसको बहुत अच्छे से बाय वे ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टोर करके रखते हैं. वहां का स्टेडियम, ये दोनों मेन स्पेशलिटी है धोलावीरा की, एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एक स्टेडियम. अब राजस्थान का जो कालीबंगन एरिया, कालीबंगन का पढ़ने से पहले अपन वहां पर धोलावीरा रिवाइज कर लेते हैं. धोलावीरा कहाँ पे, धोलावीरा कच्छ के बचाव तालुका में खादिरबत एरिया में लोकेटेड है. अब हरप्पन टाउन बायलेटरल होते थे, दो पार्ट में डिवाइड थे, लेकिन धोलावीरा के टाउन ट्राइलेटरल है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है. एक है सिटाडेल जिसको हम फोर्ट बोलते हैं, जिधर फोर्ट होता है, फिर एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन. बेसिकली धोलावीरा की मेन स्पेशलिटी थी वहां का रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वहां का स्टेडियम. धोलावीरा का मेन स्पेशलिटी क्या था, वहां का रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वहां का स्टेडियम. ओके, तो ये था धोलावीरा के बारे में. अपने लोथल का पढ़ा, धोलावीरा, कालीबंगन. कालीबंगन राजस्थान में, राजस्थान में वो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का हेडक्वार्टर माना जाता है. मतलब वहां पे बहुत एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन था ऐसा माना जाता है. कैसे पता चलता है, बिकॉज आपको कालीबंगन में कुछ फार्म्स के रिमेन्स आज तक मिले हुए हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस होगा. कालीबंगन में कुछ फार्म्स मिले जिससे प्रूफ होता है कालीबंगन से ही एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है. वहां पे आपको कॉपर के रेसिड्यूज भी मिलेंगे, जिससे ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहां पे कॉपर के टूल्स बनते थे और वो कॉपर के टूल से एग्रीकल्चर होता था. क्लियर, कालीबंगन एरिया राजस्थान में जो हेडक्वार्टर है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का, वहां पे बहुत सारे फार्म्स के एविडेंस है जिससे प्रूफ होता है कि वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता होगा. कॉपर के रिमेन्स भी मिले जिससे ये प्रूफ होता है कि कॉपर के टूल्स बनते होंगे और ये कॉपर के जो एग्रीकल्चर में यूज होते होंगे.
तो ये था धोलावीरा लोथल और कालीबंगन के बारे में, और हरप्पा के बारे में ऑलरेडी अपन ने पढ़ा, मतलब अपने हरप्पा पूरा पढ़ा, लोथल पढ़ा, कालीबंगन पढ़ा और धोलावीरा पढ़ा। इन सब से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग है ना, वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी, वेल इंजीनियर थी, वेल प्लान थी और वेल एफिशिएंट थी। मतलब इन शॉर्ट जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, भले वो हरप्पा हो, धोलावीरा हो, लोथल हो, की कालीबंगन, उनका पूरा ये जो अपना टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था। वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ गवर्निंग पावर, और इससे ये पता चलता है कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग एलाइट, मतलब जो वहाँ के रूलर्स थे वो कितने अच्छे होंगे। इंटेलिजेंस ऑफ इंजीनियर्स, जो इंजीनियर्स जिन्होंने ये सब चीजें बनाने का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म किया, इंजीनियर्स कितने एफिशिएंट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। और क्राफ्टमैन, जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट तो मैन है, जिन्होंने पूरा ये बनाया, उनकी क्राफ्टमैनशिप कितनी अच्छी होगी। तो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से अपन को ये एग्जांपल मिलता है कि वहाँ के रूलर्स कितने अच्छे होंगे, वहाँ के इंजीनियर्स कितने इंटेलिजेंस होंगे और वहाँ के जो क्राफ्टमैन में कितनी अच्छी क्राफ्टमैनशिप होगी। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा अबाउट लोथल, कंटिन्यू किया धोलावीरा, देन कालीबंगन, एंड वी हैव जस्ट समड इट अप। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू वन मोर टाइम, जस्ट प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। बोला कि लोथल देर आर स्ट्रक्चर दैट आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, इट इज अज्यूम दैट दैट स्ट्रक्चर माइट बी यूज एज अ डॉकयार्ड, और दैट स्ट्रक्चर वुड बी अ डॉकयार्ड। नाउ व्हाट इज डॉकयार्ड? तो डॉकयार्ड इज अ प्लेस वेयर शिप्स आर पार्क्ड, वेयर शिप्स आर पार्क्ड, शिप्स आर केप्ट। ओके, इन दिस शिप गुड्स माइट बी लोडेड एंड अनलोडेड टू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। This port, Lothal port, is one of the very ancient port. This Lothal port is very one of the very prosperous ancient port, and this Lothal port, it was used for the international trade during the Indus Valley civilization. During Indus Valley civilization, people used to do international trade via Lothal port. Clear? तो आपको पूछ सकते हैं कौन से port से international ट्रेडिंग होता था, इट वॉज लोथल पोर्ट, राइट? ओके, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट धोलावीरा। धोलावीरा इज ऑल्सो एन आर्कियोलॉजिस्ट साइट एंड दिस इज लोकेटेड इन द कादीरभट इन बचाव तालुका एंड कच्छ, कादीरभट बचाव तालुका एंड कच्छ। नाउ वी हैव स्टडीड दैट हरप्पन टाउन्स, दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दे वर बायलेटरल, व्हाइल धोलावीरा टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, दे आर ट्राइलेटरल। वन इज सिटाडल, दैट इज फोर्ट, अदर वन इज अपर हाउस एंड द नेक्स्ट वन इज लोअर टाउन, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। The main, really main speciality of this Dholavira is the rainwater harvesting system and stadium. So it could be asked in one mark, what is the main speciality of Dholavira town? So it is rainwater harvesting and stadium, right? Then we are up to Kalibangan. Kalibangan is Rajasthan. It is the headquarter of the agriculture revolution. We can get the remains of the farms which suggest that there might be practice agriculture on a very large scale. Then we also find the remains of copper. What does that suggest? It suggests that copper tools might have been made during that period of the time, and that copper tools are used for, maybe might be used for doing agriculture. Now from all this we can conclude that entire town planning of Indus Valley civilization was very well efficient, well organized, well engineered, well planned. Okay, and from all this we get a very wonderful example of governing power of ruling elite. We get an example of intelligence of engineers and craftsmanship of craftsmen. Okay, so ये पूरा अपन ने पढ़ा about town planning. एक बार इतना board से go through कराते ध्यान देना. Made up of bricks are found in the Lothal. It might be used as dockyard. Now ships, yaad hum usko vessels bhi bolte hain. It is used for loading and unloading goods. Warehouse and bead factory was also found there. Bead matlab moti, ha, moti ki mala hoti hai, beads. Prosperous port of Lothal is a prosperous port of ancient India, and it is also used as an international trade of Harappan civilization. Dholavira, then archaeological site, jo Kadirbat in Bachao Taluka in Kutch mein found hai. Harappan towns, they were divided into two parts, that is, they were bilateral, while Dholavira is divided into three parts, that is, they are trilateral. One is Sitadel, the other one is Upper Town, and the third one is Lower Town. So it could be asked ki kitne parts mein divided hai and which are they? So they are three parts mein divided hai, Upper House, Lower House, or Sitadel. Main speciality of Dholavira is rainwater harvesting and stadium. Kalibangan in Rajasthan is the headquarter of agriculture revolution. Now remains of farms provide the proof of this. Now copper residues found where copper tools were used to make in agriculture. Now it can be said that town planning of Indus Valley civilization was very well organized, well engineered, well planned and also well efficient. And all of this provide a wonderful example of governing power of ruling elite, intelligence of engineer and craftsmanship of craftsmen. Okay, so just prepare notes once. सो ये अपना पूरा टाउन प्लानिंग के बारे में था। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।